भाव लोग, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बात चल रही है, लेकिन जिस वजूद से इस लेगेसी का नाम है वो है मैजिकल रिंग्स के पावर के बारे में। तो बाबा, इस शो को समझना है तो आज रिंग्स की बात कर लेते हैं। कौन सी रिंग कैसी है और टोटल कितनी रिंग है, इनका क्या वजूद है और किस मकसद से ये बनाई गई थी। तो शुरुआत करते हैं सीधी सीधी खड़ी भाषा में, जो ईजिली सभी को समझ में आए। रिंग्स फॉर्म करी गई थी सौरॉन की डार्क मेंटेलिटी के हिसाब से, ताकि वो मिडिल अर्थ को रूल कर पाए और सबको कंट्रोल कर पाए ईजिली, जहां उसे किसी भी सेना या फिर मैन पावर पर निर्भर ना रहना पड़े। और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने हेल्प ली थी इरेगियन के महान शिल्पकार और लोहार कैलिब्रिम्बोर की। इन लोगों ने मिलकर टोटल 20 रिंग्स को फॉर्म किया था, जिसमें से 3 एल्वन रिंग्स यानी एल्व्स के लिए बनाई गई थी, 7 ड्वार्फ्स रिंग्स यानी बौनों के लिए बनाई गई थी और 9 मॉर्टल मैनसिन यानी इंसानों के लिए बनाई गई थी, और एक रिंग खुद के लिए जो इन सभी को कंट्रोल करेगी। और ये एक रिंग अकेले सौरॉन ने बनाई थी माउंट डूम में अपनी ब्लैक मैजिक का फुल इस्तेमाल करके। 3 रिंग्स जो एल्वन किंग्स यानी एल्व्स के लिए बनाई गई थी अकॉर्डिंग टू बुक, उसमें सौरॉन का कोई हाथ नहीं था, सिर्फ कैलिब्रिम्बोर ने अपनी एल्विस आर्ट फॉर्म और स्किल का इस्तेमाल करके एल्व्स को प्रोटेक्ट एंड ग्रो करने के लिए बनाई थी। लेकिन द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 में हमने देखा कि इन 3 रिंग्स को बनाने में भी सौरॉन का हाथ है। खैर, ये 3 रिंग्स एल्व्स के हाथ लग जाती हैं, नार्या, नैन्या एंड विलिया होता है। नार्या द रेड रिंग, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, नैन्या व्हाइट रिंग, जिसे रिंग ऑफ एडामांट या फिर रिंग ऑफ वाटर भी कहा जाता है, एंड थर्ड इज विलिया द ब्लू रिंग, जिसे रिंग ऑफ एयर भी कहा जाता है। और तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल रिंग रिंग ऑफ विलिया यानी रिंग ऑफ एयर है। बात करें कि एल्व्स में कौन कौन इसे पहनता है, तो पहले विलिया को गिलगैलेट पहनेगा, देन उसके बाद उसकी डेथ के बाद एलरॉन पहनेगा, देन नार्या अभी किरदान पहन रखी है, बाद में गैंडोल्फ को ये दे दी जाएगी, लेकिन नैन्या जो रिंग है उसे हमेशा गैलेडियल के पास ही देखने को मिलेगी, जो प्रोटेक्शन एंड हीलिंग ऑल्सो फ्यूचर विजन के लिए इस्तेमाल करी जाएगी, जिसकी एक झलक अभी हम द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 के 4th एपिसोड में भी देख चुके हैं, कैसे वो फ्यूचर विजन करती है और उसके बाद घाव भी ठीक करती है यानी हील करती है। इन 3 रिंग्स के अलावा माना जाता है कि बाकी की जो 16 रिंग हैं वो कैलिब्रिम्बोर के साथ मिलकर सौरॉन ने बनाई थी, और एक रिंग जो कंट्रोलर ऑफ ऑल रिंग है, द वन जिसे कहा जाता है, खुद सौरॉन ने बनाई थी अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके, जिनमें से 7 रिंग ड्वार्फ्स लॉर्ड को दी जाती है, जो ड्यूरिन के ही साथी हैं। उनका नाम है फायर बियर्ड्स, ब्रॉड बीम्स, आयरन फीस्ट, स्टिप बियर्ड्स, ब्लैक लॉक्स एंड स्टोन फोर्ड्स, और खुद किंग ड्यूरिंग। लेकिन कहा जाता है कि इन रिंग्स को पहनने के बाद ड्वार्फ्स पावरफुल तो हुए ही, लेकिन ये अडाप्टेड भी हो गए। मतलब सौरॉन का जो मंसूबा था कि सभी को कंट्रोल करूंगा, ड्वार्फ्स को ये उतना कंट्रोल नहीं कर पाता था जितना ह्यूमंस को कर लेता था। ड्वार्फ्स का नेचुरल बॉडी फॉर्मेशन रिंग्स के साथ घुल मिल गया था, जो बाहरी कमांड को बहुत हद तक कंट्रोल करता था और डिनाई भी करता था। बाकी की 9 रिंग्स मॉर्टल मैंस यानी 9 खास इंसानों में बांट दी गई थी, लेकिन सौरॉन इन इंसानों को आसानी से कंट्रोल करता था, या यूं कहो कि इशारों पर ही नचाता था। इतनी गहराई से मेंशन नहीं है कि किस किस को बांटी गई थी ये रिंग्स, लेकिन जब एल्व्स को ये बात पता चली कि सौरॉन एक जो पावरफुल रिंग है, द वन रिंग जो सारी रिंग को कंट्रोल करता है, वो सभी रिंग बियरर को कंट्रोल करके उन्हें उनके इशारों पर नचा रहा है, तो उन्होंने पहले ही उसे उतार कर रख ली। और एल्व्स की इसी हरकत की वजह से सौरॉन अपने मंसूबे पर सफल नहीं हो पाया, जिसका मकसद एक बार सभी रिंग बेरर को अपने इशारे पर नचा के मिडिल अर्थ पर अपना अधिकार करने का था। जब उसे ये बात पता चली तो उसने इन 3 एल्वन रिंग को छीनने के लिए एल्व्स पर हमला भी बोला, लेकिन एल्व्स आर एल्व्स, वो नेचुरली ही काफ़ी पावरफुल हैं। जितने पावरफुल एक रिंग प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को, एल्व उतने सक्षम तो पहले से ही थे, और उन्होंने जैसे तैसे सौरॉन को डिफीट कर दिया। तो बाबा, ये थी रिंग्स की कहानी, जिसमें मैंने सिर्फ मेन पार्ट ही कवर किया है, और यही जानने लायक भी था, बाकी की और चीज़ें कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो दिस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सो डिपेंड्स ऑन दिस 20 पावरफुल रिंग्स, जिसके आगे पीछे कहानी घूमती रहती है। और इस वेब सीरीज में सेकेंड एज की कहानी को दिखाया जा रहा है, कैसे रिंग फॉर्म होंगी, देन ऑल पॉलिटिक्स एंड कॉन्क्वेस्ट इन्वेजन वगैरह 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 वगैरह। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना सकते हैं, कौन से कैरेक्टर पर, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से रिलेटेड। बुक की भी बात करेंगे, फिलहाल शो से ही रिलेटेड बात करेंगे, स्पॉइलर ना हो इसका बहुत ध्यान रखा जाएगा। बाकी कुछ छूट गया हो, कोई मिस्टेक हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर डिस्कशन करना नीचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई, लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।